डियर स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार एक बार फिर माइक्रो टीचिंग के नए और फ्रेश कौशल आपका श्यामपट कौशल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज साथियों इस कौशल के बारे में देखने जा रहे हैं कि आप किस तरह से बना सकते हैं और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम श्यामपट कौशल में विषय आपका रहने वाला है हिंदी और आपका प्रकरण रहने वाला है अव्यय, और इसको प्रकरण को अंडरलाइन करना अनिवार्य होगा साथियों। उसके बाद में दिनांक, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो दिनांक लिख देनी है, और कक्षा में आपको क्या लिखना है, जिस कक्षा का आप ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना ले जा रहे हैं वो यहाँ पर कक्षा लिख देनी है। उसके बाद में आपका शिक्षण बिंदु में आपका जो प्रकरण है वही लिख देना है, और इसको भी अंडरलाइन करना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में, इसमें जो आप बच्चों को श्यामपट पर पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देना है, और छात्र 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 या छात्रा क्रिया में आपको क्या लिखना है साथियों, एक बार गौर से सुन लीजिए अपनी प्यारी सी नज़रों को देख कर और कानों को खोल कर। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, यानी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखेंगे। उसके बाद में देख लीजिए साथियों कि किस तरह से आप छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में लिख सकते हैं श्यामपट कौशल में। तो सबसे पहले आपको क्या है, अव्यय लिख देना है इस तरह से, और ये नीचे क्या है, एक ब्लैक चार्ट लिया हुआ है उस पर वाइट पेन है से लिखा गया है, और फिर इसमें आपकी डायरी में चिपका दिया गया है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारकों के कारण कभी कोई बदलाव या रूप परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और अव्यय के प्रमुख कितने भेद होते हैं साथियों, चार प्रकार होते हैं। उसके बाद में आपके चारों प्रकारों को इस तरह से आपको बच्चों को समझा देना है ताकि वो समझ पा सकें कि कौन कौन से चार भेद होते हैं। तो सबसे पहला होगा क्रिया विशेषण, उसके बाद में संबंध बोधक अव्यय, उसके बाद में आपका होगा समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद में आपका होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह से आप आसानी से अपना श्यामपट कौशल बना सकते हैं। अगर आप रीडिंग से बचना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए क्लासरूम में, तो इसके लिए आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर, जी हाँ साथियों, इसी YouTube चैनल पर माइक्रो टीचिंग नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में प्रवेक्षक टिप्पणी है, इसमें आपके यहाँ पर है वो टिप्पणी लिख दी जाएगी कि आपने किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन दी, और यहाँ पर आपके जो प्रवेक्षक है वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अगर आपको रिटीच मिली है तो वो भी यहाँ पर बता दी जाएगी कि आपको रिटीच मिली है। तो इसी तरह के और इंटरेक्टिव प्रकरण पाने के लिए, माइक्रो टीचिंग से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए निश्चित और मस्त होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर, तब तक बने रहिए और टिके रहिए राजस्थान एग्जाम YouTube चैनल के साथ।